A very good morning to all the students. We'll be continuing with EVS subject lesson number 5, that is animals dash food and shelter. तो बच्चों आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा होम्स ऑफ एनिमल्स. तो होम्स ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या होता है? होम्स ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है एनिमल्स का घर. तो एनिमल का घर क्या होता है, आओ हम इसको रीड करते हैं. जस्ट एज वी नीड हाउसेस टू लिव इन, मतलब कि जैसे वी मतलब हमें, नीड मतलब चाहिए, हाउसेस मतलब घर, लिव मतलब रहने की एक जगह, इन मतलब घर के अंदर. तो जैसे हमें एक घर चाहिए होता है उसके अंदर रहने के लिए, एनिमल्स टू नीड अ शेल्टर टू कीप themselves safe from cold, heat, rain and enemies. तो बच्चों जैसे हम इंसानों को घर चाहिए होता है, ऐसे ही एनिमल्स को भी घर चाहिए होता है, एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए होता है. अब अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था पार्ट वन में, शेल्टर का मतलब होता है घर, जहां पे जानवर अपने आप को सुरक्षित रख सके. ओके, तो एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए होता है, किस लिए? ताकि वो अपने आप को, themselves मतलब अपने आप को सेफ रखे, सेफ मतलब सुरक्षित रखे. किससे सुरक्षित रखे? एक तो कोल्ड मतलब ठंडी से, हीट मतलब गर्मी से, रेन मतलब बारिश से, एंड एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए जानवरों को भी घर चाहिए होता है. और होता है ना, जैसे हम लोग कभी अगर मस्ती करते हैं तो हम लोग भाग के हमारी मम्मी के घर के, पापा के घर के अंदर घुस जाते हैं. तो ऐसे ही एनिमल्स को भी घर चाहिए. कभी अगर कोई, अगर कोई शिकार अगर उनको पकड़ रहा हो तो बचने के लिए उनको वो चाहिए, एक शेल्टर चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. सम एनिमल्स मेक देयर ओन हाउसेस. सम मतलब कुछ एनिमल्स बनाते हैं अपना हाउस मतलब अपना घर खुद से. जैसे कई कई बार आपने देखा होगा कि जो स्पैरो होती है, जो चिड़िया होती है, वो कई कई बार हमारे घर के अंदर आके अपना नेस्ट बनाती है ना, अपना घोंसला बनाती है. तो ऐसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, वाइल्ड, और जहां पे सम एनिमल्स, सम लिव इन नेचुरल शेल्टर्स. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल मतलब जो कुदरत ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है, वो वैसे ही शेल्टर में रहते हैं, वैसे ही घर में रहते हैं. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं. एक जो अपना ओन हाउस बनाते हैं मतलब अपना खुद का घर बनाते हैं, अपनी खुद की रहने की जगह बनाते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट दूसरे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं. नेचुरल मतलब जो कुदरती है उसमें रहते हैं. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल लायंस, स्नेक एंड मंकीज लिव इन नेचुरल शेल्टर. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे अब जो लायन हो गया, स्नेक हो गया, मंकी हो गया, ये लोग नेचुरल शेल्टर में रहते हैं. मतलब ये लोग अपना घर बनाते नहीं है, जो जगह उनको मिल जाती है वो वैसी जगह पे ही रहना चालू कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. एनिमल्स लाइक बर्ड्स, बीज एंड रैबिट्स मेक देयर ओन शेल्टर्स. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड हो गई, चिड़िया हो गई, बीज मतलब मधुमक्खियां हो गई, एंड रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश हो गया, वो बनाते हैं अपना ओन शेल्टर मतलब अपना खुद का घर वो खुद से बनाते हैं. समझ गए? चलो अब यहाँ पे आप पिक्चर देखो. बर्ड्स लिव इन नेस्ट, मतलब चिड़िया कहाँ पे रहती है, तो चिड़िया रहती है नेस्ट में. नेस्ट मतलब घोंसला, आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बोला, कई कई बार बर्ड्स आती है अब हमारे घर के अंदर या घर के बाहर, किसी किसी शटर के ऊपर बर्ड्स अपना नेस्ट बना के रखती है ना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, स्नेक्स लिव इन होल्स. जो सांप होता है जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, ये लोग कहाँ पे रहते हैं, होल में, मतलब ये लोग एक खड्डा देखते हैं, खड्डा बनाते हैं और उसी खड्डे में वो लोग जाके रहते हैं. ये खड्डा अपना बनाते नहीं है, ये लोग कहीं ढूंढते हैं, कहीं अगर खड्डा होगा तो वो उसी होल में जाके रहेंगे. ओके, नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, बीज लिव इन हाइव्स, मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं वो मधुमक्खियां कहाँ पे रहती हैं,
हाइव्स में। हाइव्स मतलब क्या होता है? हाइव्स का मतलब होता है कि वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें वो होता है हाइव्स। ठीक है, बीज लिव इन हाइव्स, ये भी आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो, रैबिट्स लिव इन बरो। तो स्टूडेंट्स, रैबिट कहाँ पे रहते हैं? बरो। बरो का मतलब क्या होता है? जो रैबिट अपना खड्डा खोदते हैं, अपना खुद से घर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बरो। लायंस लिव इन डेन। तो लायन कहाँ पे रहते हैं? डेन में। ओके, नेक्स्ट, मंकीज लिव ऑन ट्रीज। तो मंकीज कहाँ पे रहते हैं? यस, मंकीज ट्री के ऊपर रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, वी कीप सम एनिमल्स इन होम्स बिल्ट बाय अस। और हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके लिए हम घर बनाते हैं। जैसे अगर आप कभी गांव में गए हो गए या यहाँ पे शहर में भी आपने देखा होगा, लोग अपने घर के बाहर काऊ रखते हैं। अब क्या वो काऊ को ऐसे घर के बाहर धूप में बांध देते हैं? नहीं, वो काऊ के ऊपर पता है ना, वो ऐसा शेड लगाते हैं, पतरा लगाते हैं, ताकि ऊपर से धूप ना आए, बारिश ना आए, है ना। तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका घर हम खुद से बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन मेड होम्स। तो वो इंसान द्वारा बनाया गया है, आदमियों द्वारा, इसीलिए वैसे घर को कहा जाता है मैन मेड होम्स। ठीक है, एग्जाम्पल, डॉग्स इन कैनल्स। तो जो डॉग होता है, डॉग कहाँ पे रहता है? कैनल में। और वो कैनल कौन बनाता है? भाई ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान लोग डॉग के लिए बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे कुछ हैं, मतलब कुछ मुर्गियां हैं जो यहाँ पे हैं, और देखो इनके लिए यहाँ पे ऐसा रखा गया है ताकि इनको धूप ना लगे, छाया में आराम से रहे। यहाँ पे अंदर है ना बच्चों, इनका खाना पीना भी रखा रहता है। तो हैंस आर केप्ट इन कूप्स, एक्सक्यूज मी। तो जहां पे मुर्गियां रहती हैं, जिस जगह पे जो हम आदमी लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं कूप्स। ये वर्ड स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये पिक्चर देखो, काऊ है यहाँ पे आपको फोटो में दिख रही है। काउस आर केप्ट इन शेड्स, मतलब जो गाय होती है, तो गाय को हम लोग जिस जगह पे रखते हैं जो हम आदमियों द्वारा बनाया गया है, इंसानों द्वारा, उसे हम कहते हैं शेड्स, एस एच ई डी एस, शेड्स। ओके, नेक्स्ट, हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स, एक्सक्यूज मी। तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये फोटो में एक हॉर्स है। अब देखो, हॉर्स को ऐसी जगह पे रखा है, ये किसने बनाया होगा? किसी इंसान ने बनाया होगा। तो इंसान द्वारा हॉर्स का जो घर बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टेबल, जहां पे हम हॉर्स को रखते हैं। ठीक है, तो हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस we complete your chapter, that is lesson number 5. Thank you, students.